स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल UDS कंपैरिजन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेड एंड ब्यूटीफुल एक्ट्रेस रानी मुखर्जी की सभी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्ल्ड एक्ट के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। नंबर वन पर मूवी आती है राजा की आएगी बारात। यह मूवी 18 अक्टूबर 1996 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 2 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 3 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। नंबर टू पर मूवी आती है गुलाम। यह मूवी 19 जून 1998 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 7 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 13.35 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। नंबर थ्री पर मूवी आती है कुछ कुछ होता है। यह मूवी 16 अक्टूबर 1998 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 10 करोड़ रुपए। यह मूवी कमाई करती है 46.86 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही थी। नंबर फोर पर आती है मेहंदी। दोस्तों यह मूवी 13 नवंबर 1998 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 2 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 2.5 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज साबित रही थी। नंबर फाइव पर मूवी आती है हेलो ब्रदर। यह मूवी 10 सितंबर 1999 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 9 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 10 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर सिक्स पर मूवी आती है बादल। यह मूवी 11 फरवरी 2000 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 10 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 19.38 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। नंबर सेवन पर आती है हे राम। यह मूवी 18 फरवरी 2000 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 11 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 5.32 करोड़ रुपए की और इस मूवी को फ्लॉप का टैग मिला था। नंबर एट पर मूवी आती है हद कर दी आपने। यह मूवी 14 अप्रैल 2000 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 8 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 11 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। नंबर नाइन पर मूवी आती है बिच्छू। यह मूवी 7 जुलाई 2000 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 7 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 10 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। नंबर टेन पर मूवी आती है हर दिल जो प्यार करेगा। दोस्तों यह मूवी 4 अगस्त 2000 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 13 करोड़ रुपए। यह मूवी कमाई करती है 15 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। नंबर 11 पर आती है कहीं प्यार न हो जाए। यह मूवी 17 नवंबर 2000 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 7 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 6 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 12 पर आती है चोरी चोरी चुपके चुपके। यह मूवी 9 मार्च 2001 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 13 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 27 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। नंबर 13 पर आती है बस इतना सा ख्वाब है। यह मूवी 6 जुलाई 2001 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 5 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी सिर्फ 3 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 14 पर आती है नायक। यह मूवी 7 सितंबर 2001 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 21 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 11 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 15 पर मूवी आती है प्यार दीवाना होता है। यह मूवी 26 अप्रैल 2002 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 4 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी सिर्फ 2 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 16 पर आती है मुझसे दोस्ती करोगे। यह मूवी 9 अगस्त 2002 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 12 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 13 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 17 पर आती है साथिया। यह मूवी 20 दिसंबर 2002 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 7 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 18.25 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। नंबर 18 पर आती है चलो इश्क लड़ाएं। दोस्तों यह मूवी 27 दिसंबर 2002 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 4 करोड़ रुपए। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती है सिर्फ 2 करोड़ रुपए की
और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही थी। नंबर 19 पर आती है चलते चलते। यह मूवी 13 जून 2003 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 11 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 20 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। नंबर 20 पर आती है चोरी चोरी। यह मूवी 1 अगस्त 2003 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 7 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 3 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 21 पर आती है कलकत्ता मेल। यह मूवी 5 सितंबर 2003 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 6 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 2.5 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित रही थी। नंबर 22 पर आती है LOC कारगिल। दोस्तों यह मूवी 26 दिसंबर 2003 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 33 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 18 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 23 पर आती है युवा। यह मूवी 21 मई 2004 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 18 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 14 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। नंबर 24 पर आती है हम तुम। यह मूवी 28 मई 2004 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 8 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 22 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। नंबर 25 पर आती है वीर जारा। यह मूवी 12 नवंबर 2004 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 18 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 42 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। नंबर 26 पर आती है ब्लैक। यह मूवी 4 फरवरी 2005 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 20 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 23 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज रही थी। नंबर 27 पर आती है बंटी और बबली। यह मूवी 27 मई 2005 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 12 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 37 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही थी। नंबर 28 पर आती है पहेली। यह मूवी 24 जून 2005 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 14 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 13 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर बिलो एवरेज रही थी। नंबर 29 पर आती है मंगल पांडे। दोस्तों यह मूवी 12 अगस्त 2005 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 34 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 28 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 30 पर मूवी आती है कभी अलविदा न कहना। यह मूवी 11 अगस्त 2006 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 90 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। नंबर 31 पर आती है बाबुल। यह मूवी 8 दिसंबर 2006 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 26 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 17 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 32 पर आती है तारा रमपम। यह मूवी 27 अप्रैल 2007 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 28 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 39 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। नंबर 33 पर आती है लागा चुनरी में दाग। यह मूवी 12 अक्टूबर 2007 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 15 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 17 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 34 पर आती है सांवरिया। यह मूवी 9 नवंबर 2007 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 20 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 35 पर आती है थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक। यह मूवी 27 जून 2008 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 23 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 22 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 36 पर आती है दिल बोले हडिप्पा। दोस्तों यह मूवी 18 सितंबर 2009 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 28 करोड़ रुपए। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती है 24 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 37 पर आती है नो वन किल्ड जेसिका। यह मूवी 7 जनवरी 2011 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 9 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 30 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। नंबर 38 पर आती है आया।
दोस्तों यह मूवी 12 अक्टूबर 2012 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 19 करोड़ रुपए। यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर कमाई करती है 6 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। दोस्तों नंबर 39 पर आती है तलाश। यह मूवी 30 नवंबर 2012 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 50 करोड़ रुपए। यह मूवी कमाई करती है 102 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। नंबर 40 पर आती है मर्दानी। यह मूवी 22 अगस्त 2014 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 16 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 47 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। नंबर 41 पर आती है हिचकी। यह मूवी 23 मार्च 2018 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 20 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 47 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। नंबर 42 पर आती है मर्दानी 2। यह मूवी 13 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 27 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 52 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही थी। नंबर 43 पर आती है बंटी और बबली 2। यह मूवी 19 नवंबर 2021 को रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट था 45 करोड़ रुपए। इस मूवी ने कमाई करी थी 12 करोड़ रुपए की और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। नंबर 44 पर मूवी आती है रिसर्च चैटर्जी वर्सेज नॉर्वे। दोस्तों यह मूवी 17 मार्च 2023 को रिलीज हुई है। इस मूवी का बजट है 35 करोड़ रुपए और यह मूवी अभी बॉक्स ऑफिस पर कमाई कर रही है।